बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक कल होने वाली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव वहीं मौजूद हैं, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो मतभेद है वो सामने आता दिखाई दे रहा है। बताते चले हम आपको कि जब से कांग्रेस 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हारी है, उसके बाद से जेडीयू लगातार प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए नीतीश कुमार को सामने ला रही है। एक बार फिर से नीतीश कुमार का चेहरा प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए सामने आता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी नीतीश कुमार के साथ नजर आ रही है। यहाँ तक कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी नीतीश कुमार के साथ हैं। इन सब में से देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के लिए दिल्ली पहुंचते हैं, कल बैठक शुरू होती है, ममता बनर्जी भी वहां आएंगी, वहां पर उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव की भी मौजूदगी होगी, तो वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वहां रहेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर ये चौथी बैठक होनी है, जिसकी पूरी रणनीति खुद राहुल गांधी तैयार कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के आरजेडी के राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी की अक्सर बातचीत होती रहती है। राजनीति से अलग एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी, जहां पर राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव से मटन बना रहे थे और मटन बनाने की रेसिपी सीख रहे थे। उन तमाम तस्वीरों के बाद से ये राजनीतिक गलियारे में बात चल रही है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार देख रहे हैं। इस वजह से राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की जो नजदीकियां है वो लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि लालू प्रसाद यादव का कांग्रेस से रिश्ता काफ़ी ज़्यादा पुराना रहा है, वो हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए हैं, लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का जो मतभेद है वो भी सामने आता दिखाई दिया। पिछले कुछ दिन तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। 5 दिन तक तेजस्वी यादव घर से बाहर ही नहीं निकले। इन सब के बीच कल का वो दिन है जब इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। इस बैठक में नीतीश कुमार की मौजूदगी होगी। नीतीश कुमार खुद जा रहे हैं, तेजस्वी यादव भी वहीं पहुंचे हुए हैं। आज सुबह से तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव वहीं पर हैं। सारे जब नेता आएंगे तो प्रधानमंत्री की दावेदारी के सवाल भी उठेंगे और ये पूछा जाएगा कि आखिर प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा। पिछली बार तो हर कोई सहमत हो गया था कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे, लेकिन इस बार जब से विधानसभा के चुनाव में 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हारी है, उसके बाद से जितनी भी रीजनल पार्टी है कहीं ना कहीं उनके मन में ये आशंका जरूर है कि अगर कांग्रेस के पार्टी से चेहरा बनाया जाता है, यानी कि प्रधानमंत्री की दावेदारी राहुल गांधी को दी जाती है, तो 2024 के चुनाव में इसका असर देखने को जरूर मिलेगा। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस हारी थी उस वक्त भी कई सारी ऐसी रीजनल पार्टी थी जिन्होंने कहा था कि अगर इन तमाम राज्यों के चुनाव में हमें लेकर जाया जाता, अगर हम चुनाव प्रचार करते तो शायद नतीजा कुछ अलग ही होता। इस बार जब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की दावेदारी बनाई जाएगी, यानी कि प्रधानमंत्री की दावेदारी दी जाएगी, तो वो तमाम नेता फिर से सामने खड़े होंगे और प्रधानमंत्री की दावेदारी को लेकर मतभेद शुरू हो जाएंगे। देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि कल जब इंडिया गठबंधन की बैठक होती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर
आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।